जी। चले आप वेद, चलो बेटा आइए। सारा पुष्कर इज्जत करे हमारे सूरज की, ऐसे कैसे वो इतना कुछ सुना गए? बाबा साहब, मैं भी जाके भटेना परिवार से मिल के आता। अरे समझते क्या है वो लोग अपने आप को? मेरे भाई की ऐसी बेइज्जती करते हैं। विक्रम भैया, हार वालों पे भड़कने का क्या फायदा? सारा किया धरा तो इसका है, तेरी मम्मा तो सच्चाई की देवी है ना, तो तूने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया? चाचू, आज जो भी हुआ वेद से ज्यादा उसमें मेरी गलती है, क्योंकि वो जो बर्थडे पार्टी का नेम प्लेट था वो मैंने चेंज कर दिया। अरे मिश्री, सब कुछ सही चल रहा था तो तुझे अपनी अकल भिड़ाने की क्या जरूरत थी? क्यों किया तूने ऐसा? मम्मा, उस लड़के की बर्थडे पार्टी के हॉल के सामने वेद की बर्थडे पार्टी का हॉल कुछ भी नहीं था, और वेद के सारे दोस्तों को तो यही लग रहा था ना कि उसकी बर्थडे पार्टी सबसे बेस्ट होगी, क्योंकि उस होटल के मालिक उसके पापा हैं। अच्छा ले अभी मैं। बेटा तुम वेद और गोलू को लेकर अंदर जाओ। सोने से खरा है महाराज, इतना सब कुछ सुनकर, इतना सब कुछ सहकर, ना जाने मारे छोरे पर के बीत रही होगी। वो तो टूट गया तो। सही कह रही संतुष्ट, कच्चे दिल का है हमारा सुर, पहले जा छल नहीं हुआ होगा उसका। संतोष, उसे अकेला नहीं रहने देना चाहिए, चलो ऊपर चलते हैं, अब तक आया क्यों कोई नहीं? बाबा साहब, इसमें भला परेशान होने जैसी क्या बात है? अरे मैं एकदम ठीक हूँ, वो तो ऐसे ही थोड़ी गर्मी लग रही थी ना, इसलिए ऊपर चला गया था कपड़े बदलने, अब ठीक लग रहा है। क्या हुआ? सब ऐसे क्यों देख रहे हैं विक्रम? क्या हुआ भैया? हाँ अब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। क्यों नहीं, वो बच्चों के वजह से सब कुछ हो गया, तो आप बोलिए ना। सच में मैं एकदम ठीक हूँ। अरे बच्चों की बात को दिल को क्या लगाना, अब बच्चे हैं कर दी नादानी, अब भला उनकी बात को दिल को लगाना है? हमारा भी तो टाइम था। अरे बचपन में हम कितनी शरारतें किया करते थे, है मोहित याद है ना? और ये विक्रम, विक्रम को तो एक दिन किसी ने बोल दिया था कि भाभो ने तुझे कचरे के डिब्बे से उठाया है, और इसने ये बात अपने दिल को लगा ली और उधर गली में बैठ के सबके सामने भै 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 रोने लगा और बोलता है जब तक मैं अपनी असली माँ को नहीं ढूंढूंगा मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। अब इसमें भला पागलपन ही तो है, और क्या है? बच्चों की बात को दिल को नहीं लगाते, समझे? अरे नहीं, बच्चों को सोचने समझने अकल कहाँ होती है, जो मन में आया दिमाग में आया बोल दिया बस मुंह पे। अब वेद और मिश्री ने भी तो ऐसे ही किया,
अनजाने में जो गलती की उसके बाद उसको ढकने लगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक गलती कर गए। वैसे ये बच्चे है कहाँ? वेद, मिश्री, ये सब क्या? वेद कहाँ है? अपने कमरे में। कमरे में? देखा जीत जी ने अपने मन से कुछ ना लगाया, कैसे माहौल ठीक कर रहे घर का। दादी कहती भगवान जी से कुछ भी मांगो वो जरूर देते हैं। मैं भी अपने झूठ के लिए एकदम मन से सॉरी बोलना चाहता हूँ। प्लीज भगवान जी मैं पहले जैसा बना दीजिए। धास्तू, अरे कहाँ भाग रहा था? हाँ पापा से बात नहीं करनी क्या? मेरा शरीर इतना कमजोर है क्या? हाँ आप मुझसे गुस्सा होंगे ना? आई एम सॉरी पापा, मैंने बहुत गलत किया, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा तो फिर बात ही खत्म। दादी कहती है कि अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो उस पर पछतावा कर ले तो उसकी गलती करती नहीं रहती और उसको माफी मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मतलब मेरे सॉरी बोलने से आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ। थैंक यू पापा। उस रावण के पापा ने जब आपसे ऐसे गुस्से की बात मुझे बहुत गुस्सा आपको पूरा लगना होगा ना? थोड़ा सा बुरा लगा। तकलीफ हो गई? तकलीफ एकदम हो गई। एक बात बता, क्या तुझे वाकई में लगता है कि तेरे पापा दुनिया के बेस्ट पापा हैं? बेस्ट से भी बेस्ट पापा। अच्छा एक बात बता, ये बता कि तुमने अपने क्लास में झूठ क्यों बोला कि तेरे पापा जो है वो एक बहुत बड़े होटल के मालिक हैं? घूम पापा आपके हलवाई को सबने मजाक उड़ाया और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि सब बच्चे मेरे पापा का मजाक उड़ाए। तो तुमने झूठ इसलिए बोला ताकि बच्चे तेरे पापा के ऊपर हंसे ना, है ना? नहीं पापा, सिर्फ इसलिए नहीं। तो किस लिए? देख बे तू ना एकदम घबरा मत, ये बात ना हम दोनों के बीच में रहेगी, मैं मम्मा को भी नहीं बताऊंगा। पापा सॉरी, आप बुरा मत मानना। बिल्कुल नहीं। अब मैं एकदम सच बोलने जा रहा हूँ। बोलना बेटा। पापा, आप कोई बड़े आदमी बनने का सपना क्यों नहीं देखते हो? वो स्कूल में आपने सेठ चिल्ली की कहानी सुनाई थी ना? हाँ। वो बहुत बड़े बड़े सपने देखता था और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो फिर आप उसके जैसे क्यों नहीं?
माँ प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।